अध्यक्ष महोदय, आपकी आपकी अनुमति से मैं एक जरूरी मामले पर बोलना चाहती हूं, जो हमारे देश के सामूहिक भविष्य को प्रभावित करता है। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश के सभी संस्थाओं में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं। जब स्कूल बंद हुए थे तो मिड डे मील की व्यवस्था भी रुक गई थी। ये तो राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जिनके कारण लोगों को सूखा राशन दिया गया। लेकिन बच्चों के लिए सूखा राशन, पके हुए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं है। ये सच है कि हमारे बच्चों के परिवारों की आजीविका में बहुत बुरे संकट का सामना करना पड़ा है। ऐसा संकट जिसका सामना बीते वर्षों में कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। यही नहीं, मिड डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने के भी मदद मिलेगी जो इस महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार हाल के वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के वो बच्चे जो बेहद कमजोर है, उनका प्रतिशत 2015-16 की तुलना में बढ़ा है। यह चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसीलिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि ICDS कार्यक्रम के तहत गर्म और पका हुआ भोजन फिर से शुरू किया जाए और मिड डे मील को भी तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के बजट में प्रावधान किए जाने चाहिए और साथ ही आंगनबाड़ियों के माध्यम से गर्म पका हुआ भोजन 3 साल से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी किचन शुरू करने का प्रावधान करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करती हूं कि उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। धन्यवाद।